हेलो एवरीवन, मेरा एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिणी फैब्रिकेशन ज्ञान। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे चिमनी गार्डर का गैसेट से कैसे मार्किंग करते हैं। अब गैसेट से कहीं भी लगाते, खाली चिमनी में नहीं है, बहुत जगह पे गैसेट्स लगा रहता है। गैसेट्स किसको बोलते, देखिए यह है गैसेट्स, इसको बोलते हैं गैसेट्स। देखो ये जो है ये गैसेट्स है। ये गैसेट्स कैसे मार्किंग करते हैं, कैसे उसका डिग्री पता करते हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अभी देखिए मैं इधर एक डायग्राम ड्रा करके रखा हूँ, सेम इसका। ये 3D में मैं दिखाया, ये चिमनी है, मतलब ऊपर को पाइप गया है, मैं आधा करके रखा हूँ। अभी देखिए ये एक डायग्राम ड्रा करके रखा हूँ। ये नीचे का डायमीटर है, ये जो बटन पीस है कौन टाइप का, रेड्यूसर टाइप का, ये 1 मीटर है। देखिए ये 1 मीटर है और इसका टॉप का डायमीटर है 800। इधर 800 का से पाइप लगता है चिमनी का 800। अभी इसका देखिए ये जो बॉटम का प्लेट है, जो बेस प्लेट है, वो 1300 है। 1300 माइनस 1 मीटर इजिकल टू 300। 300 मीन्स आपको ए पॉइंट से ए पॉइंट तक 150 का गैसेट्स आएगा, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक। देखिए ये 150 का गैसेट्स, गैसेट्स हाइट में इधर खाली आपको दिखाने के लिए 250 रखा है, जितना भी रख सकते आपका ड्राइंग गैसेट्स। ये 250 हाइट है। अभी देखिए ये पहले इसको ये डिग्री का पता करना, ये कितना एंगल पे है, ये डिग्री आपको चाहिए। ये डिग्री है, देखिए ये पॉइंट से ये लाइन का, बेस लाइन का डिग्री है 99.5। उसको कैसे पता करते पहले आपको देखना है। अभी देखिए एक एसेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले इधर देखिए ए पॉइंट से ए पॉइंट तक 75 है, इधर 50 है, हाइट है 250। देखिए हाइट 250, अगर आपको उससे जितना ड्राइंग में दिया है आप उतना ले सकते। मैं खाली आपको ये डिग्री कैसे पता करते, मैं मार्किंग कैसे करते आपको बताऊँगा। ये डिग्री पता करने का फॉर्मूला है, देखिए कैलकुलेटर ध्यान से देखिए। 1 मीटर बॉटम का डाया, 1 मीटर माइनस 800 टॉप का डाया इजिकल टू डिवाइड बाय 2 इजिकल टू देखिए 100 आया। ये जो 100 ए पॉइंट से ए पॉइंट, ये जो लाइन ए पॉइंट तक 100 है, 100 डिवाइड हाइट कितना है अपना, इसका हाइट, इसका हाइट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए इसका हाइट है 600, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक 600, 100 डिवाइड 600 इज इक्वल टू, देखिए आपको डिग्री पता करना है इसलिए 100 आया आपको। देखिए 1 मीटर माइनस 800 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 100, उसको डिग्री कैसे पता करते देखिए। और बोलते 50 tan 100 डिवाइड 600 इज इक्वल टू देखिए 9.4। 9.4 मीन्स इधर 90 डिग्री, ये अगर ए पॉइंट से हम 90 डिग्री करेंगे तो देखिए ए पॉइंट से हम 90 डिग्री का एक लाइन ले लेंगे तो आपको ये डिग्री, देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 9.4 डिग्री आएगा। अभी देखिए ये 9.4 डिग्री आएगा, मतलब ये टोटल 99.5 डिग्री है। अभी 499.5 डिग्री, ये 99.46 आया, 9.46 प्लस 90 देखिए इजिकल टू 99.46 डिग्री। 465 में कुछ, 0.2 में 0.3 में कुछ डिफरेंट नहीं है, यूनिट बढ़ाएगा तो ये भी 46 में आ जाएगा। अब देखिए ये डिग्री आपको पता चल गया। आपको ऐसे कितना भी डायमीटर होने दीजिए, कितना भी हाइट होने दीजिए, आपको डिग्री फार्मूला, डिग्री निकालने का फार्मूला ये यूज करना पड़ेगा। बाद में चलते हम मार्किंग करने के लिए। देखिए अभी ये गैसेट्स हम लोग मार्किंग करेंगे, ये गैसेट्स मार्किंग करेंगे। इधर नीचे का देखिए
अभी आपको ए डिग्री पता चल गया, आपको अभी मैं दिखाता हूँ उसको मार्किंग कैसे करते। देखिए पहले आप एक लाइन ले लीजिए, कोई कितना भी लाइन ले लीजिए, एक 150 है, आप 200 का एक लाइन ले लीजिए, ये लाइन ले लिए 200 का। पहले आपको ये एंगल मार्किंग करना है इधर, आप ये कितना हाइट का है, 250 हाइट का। पहले ये लाइन से पैरेलल लेके, इसका पैरेलल में इधर 250, इधर 250 लेके और एक लाइन ले लीजिए। देखिए ये पॉइंट से इधर 250 लेके और एक लाइन लीजिए। ये लाइन लेने के बाद आपको ये पॉइंट से ये पॉइंट तक लैंडर मार दीजिए। देखिए अभी आपको कितना चाहिए, देखिए ये 99.5 डिग्री, आपको इधर 99.5 डिग्री ये करने का है। वो कैसे करते हैं, इसका फार्मूला है आपको, देखिए मैं आपको बता, ये हाइट 250 है, उसका हिसाब से 99.5 मतलब ये 90, ये आपको 90 डिग्री मिल गया, आपको 99.5 माइनस 90 इज इक्वल 9.5 डिग्री का आपको ये करना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेटर देखिए, 50 टैन 9.5 इज इक्वल टू इनटू 250 जो हाइट है, आपका हाइट जितना होगा उतना आप ले सकते हैं। अब देखिए 50 टैन 9.5 इज इक्वल टू इनटू 250 जो हाइट है, आपका हाइट जितना होगा उतना ले सकते। मैं इधर 250 लिया बोल के 250 ले रहा हूँ। देखिए 41.8, ये 41.8 क्या है, अभी आपको ये जो नीचे का देखिए ये मार्किंग है, ये पॉइंट से इधर को कहीं भी 41.8 होता आप एक पॉइंट ले लीजिए 41.8। अभी ये जो ये मार्किंग है देखिए, ये इधर 41.8 आ गया। आप ये लाइन को ये पॉइंट से ऊपर का लाइन को मिला दीजिए, लैंडर मार दीजिए। अब देखिए ये आपको नहीं चाहिए, अभी ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये डिग्री आ गया। देखिए अभी देखिए ये डिग्री आपको मिल गया, ये एंगल है 99.5। ये जो 99.5 है आपको कितना होना, 150 होना इधर से। देखिए ये पॉइंट से आपको ये पॉइंट तक 150 होना, ये पॉइंट से आपको 150 ले लीजिए। अब ये पॉइंट से इधर 150 ले लीजिए एक पॉइंट, इधर से 150 ले लिए, ये मीटर दीजिए। देखिए ये पॉइंट से आपको 150 होना, देखिए 75 बना, ये जो लाइन इधर देखिए बटन से इधर ये पॉइंट से ये लाइन का ऊपर जिधर 75 होता उधर 75 का एक लाइन ले लीजिए। देखिए अभी ये 75 का लाइन आ गया, अभी ये आपको जरूरत नहीं, ये आपको मिटा सकता। फिर ये पॉइंट से आपको 50 होना, इधर देखिए इधर 50 है, इधर 50 है, ये पॉइंट से आपको ये लाइन का ऊपर 50 जिधर होता उधर पॉइंट ले लीजिए। और देखिए पॉइंट लेने के बाद ये पॉइंट से आपको ये पॉइंट तक लैंडर मार दीजिए। अब देखिए आपका एक एसेट बन के रेडी है, ऐसे आप कितना भी डिग्री होने दीजिए आप एक एसेट बना सकते हैं। एक एसेट बनाने के बाद आप डायरेक्ट इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब देखिए आप आराम से इसके ऊपर लगा सकते, लगाए
अभी मैं गैसेट्स के बाद दिखा देता हूँ आपको। अभी ये जो गैसेट से अभी बनाया, देखिए इसको मैं फुल पी, ये देखिए आपको जितना थिकनेस का गैसेट है उतना थिकनेस का आपको 20 थिकनेस है बने दो, जितने भी बने थे ऐसे लीजिए। ऐसे लेने के बाद आपको देखिए आपको गैसेट इस तरह का दिखेगा। अब देखिए ये गैसेट, ये गैसेट से आप लगा सकते हैं इसे आराम से। अब देखिए मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ इधर कैसे ये सेट करते हैं। अब देखिए सेम गैसेट से ये जो गैसेट से आपको इसमें आप लगा सकते हैं। आपको इस तरह दिखेगा, देखिए ये चमनी ये होने के बाद आपको देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप आराम से ये लगा सकते, एक एसेट का डिग्री फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा, थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।